लेकिन दोस्तों मौसम अगर मैं कुछ हमने लेना आईने तरमीम के पहले ही मुसवदे को पास करवाने का फैसला हुकूमत को सुना दिया गया है और लग ऐसे रहा है कि उनको इस बात का हुक्म भी दे दिया गया है कि बेखौफ होके आतिश नमरूद में कूद जाओ, क्योंकि अगर आप आतिश नमरूद में कूदेंगे तभी आपको किसी तरह का कोई फैज मिलेगा। उनका ये मानना भी है अहम तरीन हुकूमती रहनुमाओं का कि जनाब पहले ही मुसवदे के अंदर जो जो चीज़ें बताई गई थी हुक्मरान इतिहाद को कि जनाब ये ऑब्जेक्टिव हैं और इन ऑब्जेक्टिव को हासिल करना है इस्टेब्लिशमेंट और वो तमाम तर कुतें जो इस आइनी तरमीम की हकीकी मुहरक हैं उन्होंने किसी भी तरह के कॉम्प्रो माइज करने से इनकार कर दिया और उनसे कह दिया गया है कि जनाब ये जो नंबर्स के चक्कर में ना आप ना पढ़ें। आपको कहा था पहले भी कि जनाब आप आईनी तरमीम के मुसवदे को पार्लियामेंट में पेश कर दें, ईवान में पेश कर दें, और अब भी यही आपके लिए मशवरा है कि आईनी तरमीमी मुसवदे को आपको पेश कर देना चाहिए, जिसके बाद अचानक ये जो पॉलिटिकल गेम है ये ना सिर्फ चेंज होती हुई महसूस हो रही है बल्कि गुज़िश्ता रात सियासी मुलाकातों के एतबार से बहुत ही ज़्यादा हंगामा खेज हुई और ख़ास तौर पर वो मुलाकात जो जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब के पीटीआई की लीडरशिप के साथ हुई और उस मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में JUI के रहनुमा जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात ख़त्म होने का इशारा दे दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेशरफ्त है। अगरचे उसके बाद हुक्मरान इतिहाद के सरबरा और मौजूदा वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ, इसहाक डार, आजम नज़ीर तारर और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की भी मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकातें हुई। ताहम वो जो एक जिसे हम कह सकते हैं जो गुज़िश्ता दिनों के अंदर जो एक कॉर्डिक रिलेशनशिप नजर आ रहा था आईनी तरमीम के हवाले से जो एक इतफाक राय बनता हुआ नजर आ रहा था वो अब हमने टूटता हुआ खत्म होता हुआ बल्कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कैसे उताज होता हुआ नजर आ रहा है तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। इस सूरत हाल में सवाल है और बहुत अहम सवाल है कि लाहौर में तीन जमाती इत्तफाके राय के ऐलान के बाद आखिर क्या हुआ, किस नुक्ते पर इख्तलाफ हुआ और खुफिया हाथ अचानक हरकत में क्यों आया, वो कौन थे जिन्होंने JUI और अख्तर मैंगल साहब की जमात के अरकान के साथ रबते किए, हिरासा किया और उनको रिश्वत की पेशकश की मुबैना तौर पर। आसान लफ्जों में अगर मैं आपको इस सूरत हाल को बयान करूं तो आखिरकार वो घी जो सीधी उंगली से निकल रहा था उसके लिए उंगली टेढ़ी करने की जरूरत क्यों पेश आई, और यही मेरा ख्याल है कि क्रक्स ऑफ द स्टोरी है कि सारी सूरत हाल में अचानक ये ड्रामाई मोड़ क्यों आया। और अगर मैं आपसे ये कहूँ ये ड्रामाई मोड़ के लिए जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब ही जिम्मेदार हैं तो ये कहना कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा, क्योंकि मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद तो मेरा नहीं ख्याल के वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के आगे या किसी के सूरत हाल में आकर उनको चैलेंज करने की पोजीशन में है। मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से जो ताकतवर हल्के हैं उनको इस वक्त शायद कुछ तहफ़ुज़ात हैं और उनका यह मानना है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जान के च्युइंगम की तरह इस चीज को यानी आईनी तरमीम को खींच रहे हैं और ताजा तरीन सूरत हाल में मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से उनकी जमात की तरफ से खसूसी कमेटी के इजलास में ये मुतालबा सामने आना कि वसीतर इत्तफाक राय के लिए ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ बल्कि पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नुमाइंदों को भी इस मुजाकराती अमल में शामिल करना चाहिए और आईनी तरमीम के ऊपर उनका भी इत्तफाक राय हासिल करना चाहिए। यह वो ऐसा मुतालबा था जिससे ये वाइब्स पैदा हुई कि जमीयत उलमाए इस्लाम आईनी तरमीम के मुसवदे के हवाले से आप पाकिस्तान के ताकतवर हल्कों और पोलिटिकल लीडरशिप के साथ हॉकी खेल रही है और वो जानबूझकर इस सूरत हाल को इस तरह ड्रैग करना चाह रही है कि ये नो मैंस लैंड में गेम चली जाए और 25 अक्टूबर की जो डेडली तारीख है वो गुजर जाए और उसके बाद जो सूरत हाल है वो शायद एस्टैब्लिशमेंट के या ताकतवर हलकों के कंट्रोल में नहीं रहेगी। और यही वो एक मुतालबा था जिसने इस सारी सूरत हाल जो कि इत्तफाक राय पर मबनी थी और आगे बढ़ती हुई नजर आ रही थी उसकी टेबल को टर्न किया। इसके साथ ही जमीयत उलमाए इस्लाम के कामरान मुर्तजा साहब ने सेनेट के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए इस बात का इजहार कर दिया कि उन्हीं की जमात के लोगों के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उनको अरबों रुपए की पेशकश की जा रही है। उनका ये कहना था कि अगर आपने मुजाकरात के साथ साथ ये धौंस के अमल को भी आगे बढ़ाना है तो हमारी तरफ से मुजाकरात को ख़त्म ही समझा जाए। और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जमीयत उलमाए इस्लाम के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की कोशिश की जा रही है। और कामरान मुर्तजा साहब की इस तकरीर से पहले मुख्तलिफ
मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ से जिनको फॉलो किया जाता है या उनसे पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हमायत से अब पोस्ट को शेयर किया जाता है, वहां पर यह खबर गर्म हो गई कि जमीयत उलमाए इस्लाम की पार्लियामानी पार्टी के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है और जमीयत उलमाए इस्लाम के रहनुमा जनाब नूर आलम साहब कौमी असेंबली में उस फॉरवर्ड ब्लॉक को लीड कर रहे हैं और उन्होंने इस बात का भी इंकशाफ किया कि यह फॉरवर्ड ब्लॉक 8 अराकीन मुस्लिम ये जो है जमीयत उलमाए इस्लाम उसकी कौमी असेंबली में अराकीन की तादाद 8 है और फॉरवर्ड ब्लॉक में डिफेक्शन क्लॉज से बचने के लिए जरूरी है कि आपके पास 51% आपके पास जो पार्लियामानी पार्टी है उसकी स्ट्रेंथ हो ताकि उसके बाद आप पार्लियामानी लीडर को तब्दील कर सकें। तो ये खबर भी गर्म हुई कि नूर आलम साहब के पास इस वक्त पार्लियामानी ग्रुप के तकरीबन 4 अराकीन की हमायत हासिल है और उसकी वजह से वो डिफेक्शन कानून उनके ऊपर इतलाक नहीं करेगा और इसके साथ साथ JUI के अराकीन सेनेट की भी एक माकूल तादाद जो कि आधी से ज्यादा है तकरीबन 3 के करीब सेनेटर्स हैं वो अब नूर आलम साहब के ग्रुप में शामिल हो चुके हैं और ये एक ऐसा चौंका देने वाला इंकशाफ था जिसने वाकईतन JUI को एक ऐसी सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया जिसके बाद वो इस बात पर यकीन करने पर मजबूर हो गया क्योंकि इस तरीके से सोशल मीडिया हाइप को क्रिएट किया गया, चीज़ें जनाब कामरान मुर्तजा साहब तक पहुँचाई गई और कामरान मुर्तजा साहब से जनाब फजलुर रहमान साहब तक पहुँचाई गई तो चीज़ें ज़रा मुख्तलिफ अंदाज के अंदर सामने आई। ये बात भी अपनी जगह पर अहमियत की हामिल है कि वो पहला मुसवदा जिसको JUI ने मुस्तरद किया था वो इस वक्त भी किसी न किसी जगह पर टेबल पर मौजूद है और ये बात मैं इसी प्लेटफॉर्म पर आपके साथ एक से ज्यादा मरतबा शेयर कर चुका हूँ कि असल मुसवदा जिसके अंदर मिलिट्री कोर्ट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दिए जाने की बात और खासतौर पर सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देने की बात है वो किसी भी सूरत इस्टेब्लिशमेंट उससे पीछे नहीं हट रही। इस्टेब्लिशमेंट बिलावल भुट्टो जरदारी और जनाब शहबाज शरीफ साहब के कहने पर इस हद तक तो रुक गई थी कि जनाब हमें आईनी तरमीमी मुसवदे को पार्ट्स के अंदर यानी किस्तवार इसको हमें मंजूर कराना चाहिए, पहली किस्त के अंदर हमें अदालती इस्लाहात करनी चाहिए ताकि हम किसी भी तरह के जुडिशियल क्राइसिस से महफूज रह सकें और फिर उसके बाद हमें अगले मरहले के अंदर दूसरा जो ये जो मिलिट्री ट्रायल के हवाले से चीज़ें हैं उसको सामने लेके आना चाहिए ताकि हम एक सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ सकें और इस दौरान जो मुख्तलिफ अराकीन असम्बली हैं हमें उनके साथ अपने रवाबत को बेहतर बनाना चाहिए ताकि वो दूसरे मरहले में हमारे पास आकर हमें वोट दे सके। और इस बात के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट ने हमें बढ़ी थी, उन्होंने कहा था ठीक है जी मैं तुम्हें कह दो उम्मे कर लो। लेकिन अब ताज़ा तरीन डेवलपमेंट में जहां पर मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो चीज़ों को ड्रैग करने की तरफ जा रहे थे, इस्टेब्लिशमेंट ने इस सूरत हाल को जो है ना वो ये समझा कि शायद हमारे साथ कोई नया खेल खेलने जा रहा है। ये बात भी यहाँ पर काबिले जिक्र है कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम के बाद अब जो नई लीडरशिप आई है वो नदीम साहब की तरह जरा जिसे हम कहते हैं ना धीमी गति के अंदर चलने वाले नहीं हैं, वो एक जिसे मैं ये आपसे कहूँ कि वो एक अग्रेशन जो है वो हमें नज़र आएगा आने वाले दिनों में और वो एक अग्रेसिव पॉलिसी को टो करते हैं जो कि माजी के अंदर इदारे की या इदारे से वाबस्ता शख्सियात की रवायत रही है कि वो चीज़ों को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अब भी ये जो तब्दीली आई है उस तब्दीली के ये कुछ असरात हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं कि वो एक मरतबा फिर हुकूमत को इस बात का मशवरा दे रहे हैं कि छोड़ो तुम किस्तवार इको बारी जरा ना वो कम चुक के रखो, देखी जाएगी फिर जो होगा कैसे होगा कैसे होगा, वोट जो है वो पड़ जाएंगे दो तहाई अक्सरियत से हम इसको मंजूर करा लेंगे और किसी तरह की आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इस तरह के जो मशवरे हैं वो दिए जा रहे हैं कि जनाब वो नहीं ना आतिश नमरूद वाला शेर, वो इनको भी ये कहा जा रहा है कि जनाब आप आतिश नमरूद में कूद पड़े, लेकिन ये भी सियासी क़यादत है इनको भी इस बात का इदराक है कि अगर इस मौके पर पॉलिटिकल इत्तफाक राय की बजाय अगर हुक एंड क्रुक की पॉलिसी पर अमल दरामद किया गया तो ये पॉलिटिकल लोग हैं, इन्होंने आखिरकार अपने हलकों में जाना है, इनको जाकर मुख्तलिफ सवालात के जवाब देने हैं, तो ये एक ऐसा अमल होगा जो आने वाले इंतखाबात में इनके लिए रुकावट का सबब होगा और शायद इसके लिए उनको ज़्यादा अग्रेसिवली जवाब देना पड़ेगा अपने वोटर और सपोर्टर बैंक को जो मौजूदा हालात में शायद उनको मुमकिन नजर नहीं आ रहा और इसी वजह से इस गेम के अंदर कुछ तब्दीली आ रही है। ये जो अग्रेशन नजर आया था ये इसी वजूहात की बिना पर था और ये बात भी एक जगह पर सामने आ रही है कि महज वो अहम तरीन इदारे इस सारे गेम में वाबस्ता नहीं है बल्कि कुछ ऐसे खुफिया इदारे या कुछ ऐसी जो है
कुवतें भी मुतहरक हैं जिनका ताल्लुक वफाक से नहीं है, उनका ताल्लुक एक सूबाई स्पेशल ब्रांच से है और वो सूबाई स्पेशल ब्रांच के लोग भी मुख्तलिफ ये जो है ना अननोन नंबर, अब अननोन नंबर सिर्फ एक जगह पर महदूद नहीं है, ये काम अननोन नंबर अब स्पेशल ब्रांच के पास भी है और दीगर आईबी वगैरह के पास भी है, तो वो अननोन नंबर से सिर्फ एक ही इदारे के ऊपर ना वो प्रेशर डालना मुनासिब नहीं है। इसी सूरत हाल के तनाजुर में रात को मुलाकात हुई, जब पीटीआई के वक्त के साथ मुलाकात हुई मौलाना साहब की, और मौलाना साहब ने एक अग्रेसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर उन्होंने हुकूमत को इस बात की धमकी दी कि ना हमारी तरफ से मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए जाएंगे अगर हमारे अरकान को हरासा करना, उन पर दबाव डालना, उनको ब्लैकमेल करना या उनको रिश्वत की पेशकश करना मुबैना तौर पर ना रोका गया तो साढ़े लोग ना आ जाए। उसके बाद फिर हुकूमती वक्त जिसको लीड कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब, उसमें मौजूद थे जनाब इसहाक डार साहब, आज़म नज़ीर तारर साहब भी मौजूद थे, वो गए मौलाना साहब के पास और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी पहुंचे मौलाना साहब की रिहायशगाह पर और फिर हुकूमती जोमा की एक तवील मुलाकात हुई मौलाना साहब के साथ। अगरचे इस मुलाकात के बाद किसी तरह की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया टॉक नहीं हुई, अलबत्ता बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की गाड़ी जब मीडिया नुमाइंदों के पास से गुजरी तो बिलावल साहब ने विक्ट्री का निशान बनाया जो कि इस बात का इशारा था कि ना मामला यस हैं, मौलाना साहब का गुस्सा उतार दिया गया है, मौलाना साहब को अब यस कर दिया गया है। लेकिन देखना यह है कि क्या वाकईतन जो सूरत हाल है वो ट्रैक पर आ गई है, बज़ाहिर इस वक्त सूरत हाल हमें ट्रैक पर ही नज़र आ रही है। इस बात का ऐलान हो चुका है कि आज सेनेट के अंदर ये जो आईनी तरमीमी मुसवदा है ये पेश किया जाएगा, वज़ीर कानून जनाब आज़म नज़ीर तारर साहब ये मुसवदा पेश करेंगे, अटर्नी जनरल जनाब मंसूर उस्मान अवान साहब को इस बात के लिए पाबंद कर दिया गया है कि उन्होंने इस्लामाबाद में ही रहना है, उनको इस बात के लिए भी पाबंद कर दिया गया है कि जिस वक्त आईनी तरमीमी मुसवदा सेनेट में पेश किया जाएगा उस वक्त उन्होंने सेनेट के अंदर मौजूद रहना है ताकि किसी भी हवाले से उठाए जाने वाले सवालात का वो भरपूर अंदाज से जवाब दे सके और तमाम नकात की से जो है वो अरकीन पार्लियामेंट को जो है इत्माद में ले सके ताकि उनके भाम दूर हो सकें। पहला मरहला तो ये है कि सेनेट के में ये मुसवदा पेश किया जाएगा और अब 56 की जगह पर 24 जो आईनी तरमीम है वो पेश की जाएंगी। बाकी जो मैं आपको बार बार ये बात कह रहा हूँ कि 24 आईनी तरामीम पेश करने का मतलब ये नहीं है कि बाकी आईनी तरामीम पेश नहीं की जाएंगी, पहले मरहले के अंदर ये आईनी तरामीम पेश की जाएंगी, इन आईनी तरामीम को मंजूर किया जाएगा, मंजूर कराने के बाद इनको आईन का हिस्सा बनाया जाएगा, अदालती इस्लाहात के जरिए वो जो डंक था वो निकाला जाएगा, इदारे को जो है इमानदारों के साथ लाहौरी ग्रुप से पाक किया जाएगा और ऐसी अमल के दौरान ये जो दूसरा मरहला है ये सामने आएगा और फिर उस दूसरे मरहले के अंदर ये जो बाकी मानदा जो है तरामीम तकरीबन 31 तरामीम वो पेश की जाएगी और उन तरामीम को मंजूर कराया जाएगा, लेकिन उसके अंदर भी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 25 अक्टूबर से पहले पहले ये आईनी तरमीमी अमल जो है वो मुकम्मल किया जाएगा और उसके बाद अगले 15 रोज में ये जो आईनी तरामीम का दूसरा पैकेज है ये सामने आ जाएगा और फिर उसको मंजूर कराने के बाद जो अगला मरहला है यानी इमरान खान साहब को जो है ना उनकी आर्म ट्विस्टिंग का वो शायद शुरू होने वाला है। अभी जो सूरत हाल है वो यही है कि मौलाना साहब के साथ जो इत्तफाक राय के साथ आईनी तरमीम मुसवदे को मंजूर किया गया था उस पर इत्तफाक राय किया गया था वही आईनी तरमीमी मुसवदा आज सेनेट के इजलास में मुमकिन तौर पर पेश किया जा रहा है। फिर देखना यह है कि सेनेट के अंदर क्या सूरत हाल डेवलप होती है और क्या वहाँ पर जो जो है ना ये जो अरकान पार्लियामेंट है उनका इसके हवाले से क्या रिस्पॉन्स होता है, उसी के बाद ये खेल पता चलेगा कि ये ऊँट अब किस करवट बैठने जा रहा है। अपने जरूरी सार कीजिएगा, आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।